नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। गामर थाना पुलिस को बीती रात बड़ी सफलता मिली। उसने बिहार बॉर्डर के कर्मनासा पुल के पास दो चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की 5 बाइकों के साथ ही एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। मालूम हो कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देशन में जिला पुलिस अपराधियों के खिलाफ अधीक्षक अभियान चला रही है। इसी के तहत मंगलवार की रात उप निरीक्षक हरि नारायण शुक्ला हमराहियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान करीब 11:45 बारा बिहार बॉर्डर कर्मनासा पुल के पास रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नौली निवासी दिलीप चौहान और गहमर थाना क्षेत्र के सतरामगंज भदौरा निवासी मनोज ठठेरा को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12 बोर का एक तमंचा और 2 कारतूस के साथ ही चोरी की 5 बाइक बरामद किया। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में चलान कर दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में 12 चौकी प्रभारी कृष्ण प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल पटेल, कांस्टेबल अभिषेक कुमार और कांस्टेबल संजय कुमार यादव शामिल थे। अपनी मांगों को लेकर AUAB के आह्वान पर BSNL कर्मियों ने बुधवार को कार्यालय में भूख हड़ताल किया। धरना प्रदर्शन करते हुए मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा, यह सरकार कर्मचारी विरोधी है, मांगे पूरी होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इस दौरान BSNL द्वारा 4G सेवा तत्काल शुरू करने, BSNL के पुनरुद्धार के लिए अन्य उपायों को लागू करने, प्रत्येक माह की नियत तिथि पर वेतन का भुगतान करने, BSNL को 39,000 करोड़ रुपये के मूल बकाए का भुगतान करने, तृतीय वेतन पुनरीक्षण का निपटारा करने, पेंशन संशोधन, 30% सेवानिवृत्ति लाभ एवं अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। इस अवसर पर BSNL EU के अध्यक्ष राकेश मौर्य, जिला सचिव अपरवल यादव, अधिकारी एसोसिएशन के जिला सचिव नफीस अहमद, जितेंद्र यादव, NFTE के जिला सचिव उमाशंकर प्रजापति समेत आदि लोग मौजूद रहे। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गंगा तट पर स्नान करने के दौरान 3 दिन पूर्व डूबे कर करहिया गांव के अच्छेलाल यादव व रोहित यादव का शव अलग अलग स्थानों पर उतराया हुआ मिला। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान कोतवाली परिसर में ग्रामीणों की भीड़ जमा रही। मंगलवार की देर शाम अच्छेलाल यादव का शव गहमर गंगा तट के पास उतराया मिला। पहचान होने पर पुलिस ने शव को थाने लाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। वहीं बुधवार की सुबह बच्छलपुर गंगा तट से दूसरे युवक रोहित यादव का शव उतराया हुआ मिला। शवों के बरामदगी की सूचना मिलने पर दोनों ही युवकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। शहर के मुगलानी चक के पास लगे 33,000 लाइन के केबिल में बार बार फॉल्ट आ रहा है। इसकी वजह से उसे बदलने के कार्य के लिए करीब 4 बजे प्रकाश नगर और पीर नगर विद्युत उपकेंद्र से संबंधित सभी फीडरों की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। इससे भुतहिया टांड, बंसी बाजार, लंका स्टेशन, सकलेनाबाद, मिश्र बाजार, लाल दरवाजा, सिद्धेश्वर नगर कचहरी, शास्त्री नगर, पीर नगर, नवापुरा, गोरा बाजार सहित दर्जनों मोहल्लों की बत्ती गुल हो गई। बिजली जाते ही भीषण उमस और गर्मी की वजह से लोग परेशानी भी बढ़ गई। कई इलाकों में 7:45 तो कई इलाकों में 7:15 बिजली का दर्शन होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। इस संबंध में जेई अविनाश ने बताया कि मुगलानी चक के पास लगा 33,000 लाइन का केबिल जर्जर हो गया है। इसकी वजह से बार बार फॉल्ट हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए केबिल बदलने का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन शाम ढलने की वजह से कार्य पूरा नहीं हो सका। बाकी कार्य दूसरे दिन गुरुवार को किया जाएगा। अंधौू विद्युत उपकेंद्र से आने वाली 33,000 की लाइन का केबिल मुगलानी चक के पास पूरी तरह से जर्जर हो गया है। इसकी वजह से बार बार फॉल्ट होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग द्वारा 29 जुलाई को केबिल बदलने का कार्य किया जाएगा। जेई अविनाश ने बताया कि केबिल को बदलने के कार्य की वजह से सुबह 10 से दिन में 2 बजे तक प्रकाश नगर और पीर नगर विद्युत उपकेंद्र से संबंधित फीडरों की आपूर्ति बाधित रहेगी। समय से कार्य पूरा न होने पर कटौती का समय बढ़ भी सकता है। इमरजेंसी आदेश आने पर केबिल बदलने के कार्य को स्थगित भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बुधवार को केबिल बदलने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए दूसरे दिन गुरुवार को किया जाएगा। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।